sisters and their brothers, definitely not mine. Welcome to another episode of PollBaazi. मैं हूँ शो की होस्ट आपकी दोस्त और अगले 15 मिनट काफी एक्साइटिंग होने वाले हैं आपकी लाइफ में और नीचे डांस करती हुई नए नए डांस स्टेप सीखती हुई आ गई है पुश. What's up पुश? पुश नहीं है हमारा नाम, पूरा बताओ पुष्पेश्वरी परमेश्वरी आंटी. आपको प्यार से हमें बुलाना हो तो बुलाएगा आंटी, ठीक है? कोई नहीं बुलाएगा, कोई भी आप बुलाना चाहते हैं वैसे आंटी. मैं आपको बताती हूँ कि PollBaazi में होने के वाला है. अबे देखिए इस खेल में आपसे पूछे जाएंगे आज बहुत ही आसान सवाल. हर सवाल के होंगे 3 इंटरेस्टिंग ऑप्शंस. 10 सेकंड के अंदर आपने अपना जवाब टैप कर देना. अब PollBaazi में कोई जवाब सही या गलत नहीं होता है क्योंकि PollBaazi इज ऑल अबाउट मेजॉरिटी. वेरी गुड. तो आपका जवाब अगर जनता के जवाब से मैच कर गया हाँ. तो सही जवाब हो सही जवाब हो जाता है. और ऐसे ही अगर आपने 800 सवालों के जवाब जनता के साथ दे दिए तो 10,000 रुपए में से अपना हिस्सा. 10,000 विधि, 10,000 में से अपना हिस्सा, वही हिस्सा जीत ले जाएगी. और बताएं तुम्हें कि हम जानते हैं हम जिम्मेदारी से कभी नहीं भागते अपनी, ठीक है? हमारी जिम्मेदारी है तुम्हारी शादी कराना. आज भी लड़का लेकर आए तुम्हारे लिए, दिखाओ. आज भी मैं लड़का देखने में इंटरेस्टेड दे रही हो कितनी एकदम तुम एक्साइटेड हो रही हो. हाँ दे रही हूँ, दिखाओ लड़का, दिखाओ इन्हें लड़का. ये देखो एकदम लड़का क्रिकेट बैट के एक साथ एकदम ट्रेंड के साथ रहता है ना? अभी चल रहा है ना क्रिकेट हर जगह. सोचो कितना कमाता होगा, कितना घूमता होगा. गली क्रिकेट खेल के क्या कमा लेता होगा? अरे बहुत घूमते हैं ये लोग. तुम शादी कर लो, सोचो तुम्हें भी सिखा दे, फिर तुम साथ गली गली घूमते भी मैं क्या करूंगी. अरे बड़े बड़े शहर घूमते हैं, तुम भी खेलने लगना, फिर साथ में कमाना, साथ में गृहस्थी चलाना. बहुत बढ़िया एकदम हो गया. पुष्पा आंटी कुछ भी बोलते हैं उसका कोई सर पैर नहीं होता है. बट एनीवे आएंगे आप आएंगे, आपकी राय जानना चाहते हैं हम, इंडिया की सोच जानना चाहते हैं. तो चलिए तैयार हो जाते हैं गेम खेलने के लिए. ऊपर एक दिल है, इस दिल का इस्तेमाल आप गेम में वन टाइम कर सकते हैं. एलिमिनेट हो भी गए तो दिल का इस्तेमाल करके आप गेम में बाउंस बैक कर सकते हैं लाइफ यूज करके. और एलिमिनेट होने के बावजूद भी आप टैप करके अपनी राय बता सकते हैं. क्या बात है, बहुत अच्छे से समझाती हो तुम. वैसे 15,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ. अब दिल से मेरी आवाज को सुनिए, फोन स्क्रीन दिल से कैसे सुनते हैं सुन लेंगे, कान से सुन. क्वेश्चन नंबर 1, आप मुझे बताइए इन तीनों में से वो कौन सी चीज है जिस जो आप ट्राई करना ही नहीं चाहते. करना ही नहीं चाहते, कोशिश ही नहीं करेंगे. अरे कोशिश तो करनी बनती है. आंटी बोल लूं मैं? हाँ हाँ बोलो. स्काई ड्राइविंग, सांप पकड़ना या लव यात्री देखना? अरे यार भाई के साले की पिक्चर नहीं देखेंगे लोग. अच्छा ये बताओ पहला ऑप्शन क्या है? स्काई डाइविंग. अच्छा ये लोग ना प्लेन से ऐसे छलांग मार देते हैं, प्लेन से कूद जाते हैं. अरे पागल हो क्या कि प्लेन से कूद रहे? अरे कूदना है, आप बेड पे कूदिए, आप स्विमिंग पूल के अंदर कूदिए, उस दर से क्यों कूद रहे? और कुछ लोग यहाँ ग्रिल नहीं होती है तो हम आरी लेकर चलते हैं, हमने सारे एकदम काट के और फिर देख सकते दूरबीन लगा के. जनता का जवाब आ गया. वो कहते हैं कि देखिए वो सांप पकड़ने की कोशिश जिंदगी में कभी करना ही नहीं. क्यों पकड़े भैया सांप की है बताइए. अगर पकड़ना है आप तो हमारे ऐसे पल्लू पकड़िए, आप फोन को पकड़िए, है ना? आप ड्रीम होता है, अलग सपना होता है, कुछ भी करते हैं वो मस्ती जोश के लिए. जोश तो सारा विकी कौशल लेके बैठा हुआ है. जोश हाउस द जोश विकी कौशल, हाउस द जोश विकी कौशल. हमने विकी कौशल से कहा जोश दे दो, कहता नहीं हाउस द जोश. हमने कहा भैया तुम ही रखो जोश. 15,000 से ज्यादा जोश इनके पास है हमारे साथ. थैंक यू वेरी मच. जोश जोश बताइए इन तीनों में से किस टाइप की रिलेशनशिप आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं मजेदार, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स या वन नाइट स्टैंड्स या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप? अच्छा एक फ्रेंड है तो फिर बेनिफिट तो होता है, फ्रेंड का तो होता है. अब जय बीरू को देख लो कितनी बार दोनों ने आपस में एकदम जान बचाई एक दूसरे की. और दोस्त होते हैं तो बहुत अच्छा, खाना खाने जाने दोस्त के साथ चले गए, कहीं जाने दोस्त के साथ. सुन लो मेरी बात, ये वो वाले फ्रेंड विद बेनिफिट नहीं है. मतलब आजकल ना रिश्तों का मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया. दोस्ती के थोड़ा ऊपर और रिश्ते के थोड़ा नीचे होते हैं, बीच वाला जो एरिया होता है. एरिया ये कौन सा एरिया? यहाँ पे मोटरसाइकिल चली जाती है, एरिया में मेट्रो पड़ जाती है, बस. मतलब आप दोस्त हो लेकिन दोस्त होने के बावजूद भी आप रिश्ते. अरे भैया तुम खुद ही इतनी कंफ्यूज हो यो कि ये है पर वो नहीं है, पर वो है पर वो नहीं है. जवाब आ चुका है और वो कहते हैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं. नॉट द बेनिफिट्स आंटी, यू थिंक दीज आर अदर बेनिफिट्स. अच्छा ये बताओ हम तुम्हारे दोस्त हैं या नहीं बताओ? हां हैं दोस्त. कौन से वाले हम बेनिफिट वाले या बिना बेनिफिट वाले? आंटी प्लीज नो, उस नजर से आपको कोई नहीं देखता. और नजर क्या है इसमें? दोस्त ही हुए ना. नजर क्या है इसमें? गूगल करना, गूगल. 15,000 गूगल कह रही है, बढ़ रहे हमारे साथ. नहीं पता है क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया की सोच हमको ऐसी बताते रहिए, टैप करते रहिए. आप मुझे बताइए इन तीनों में से वो कौन सा प्रोफेशन है, वो कौन सा पेशा है जो बस मजाक बनकर मजाक कम करते हैं? मैं पढ़ लूं ऑप्शन? ऑप्शन पढ़ दो क्या बिगड़ जाएगा. जर्नलिज्म, लॉ या टीचिंग. अच्छा आंटी देखिए क्या ये आप ऑफिस जाके मजाक कर रहे होते हैं?
आंटी रीड बिटवीन द लाइंस करिए, आपको बताती हूँ। जर्नलिस्ट से जर्नलिस्ट सपोज टू रिपोर्ट द राइट थिंग, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आजकल कभी कभी यू नो कुछ भी होने लगता है। लॉ अमीरों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, गरीबों के लिए नहीं। कभी कभी टीचिंग के मामले में ना टीचर्स कभी कभी सीरियस नहीं होती, टीचर्स ही एब्सेंट रहते हैं। बड़ी दुविधा है, पर मजाक हम सबसे बढ़िया करते हैं, ये तो हमें पता है। सो सेल्फ सेंटर्ड आंटी यू आर। जोक सुनाओ, जोक सुनना चाहती हो? नहीं, जनता का जवाब आ चुका है। वो कहते हैं लॉ का मजाक बनकर रह चुका है क्योंकि लॉ इज नॉट हेल्पिंग एवरीबॉडी। अच्छा अच्छा अच्छा, पर जोक तुमने अभी हमको सुनाया, हम जोक तुम्हें सुनाते हैं, ठीक है? अब जोक सुनाते हैं, जोक सुना रहे हैं। देखो, एक बार हाथी और चींटी अलग अलग टीम में क्रिकेट खेल रहे थे, सीजन चल रहा है क्रिकेट का, क्रिकेट खेल रहे थे। अब हाथी ने मारा एकदम छक्का, तो स्टेडियम के सारे हाथी वो हल्ला करने लगे। एकदम से एक हाथी ने देखा चींटियां भी हल्ला कर रही हैं, तुम क्यों हल्ला कर रही हो? तो चींटी कहती है जैसे ही तुम्हारे हाथी ने छक्का मारा ना, हमारी चींटी ने कैच कर लिया। और चीटी शहीद हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है अब आपके स्क्रीन पर। 13,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हमारे साथ, आंटी सांस लेके साथ। आप मुझे बताइए इनमें से वो कौन है जिनसे आप अडॉप्ट होना चाहेंगे, मतलब चाहते हैं कि इनमें से कोई आपको अडॉप्ट कर ले। क्यों कर ले भैया? ऑप्शन पढ़ो। शाहरुख खान, गौरी खान या यूएस प्रेसिडेंट या सुंदर पिचाई? हम क्यों अडॉप्ट हुए भैया, हमारे मम्मी पापा है, हम अडॉप्ट नहीं है। सोचो ना, इमेजिन करो, सोचो आप यूएस प्रेसिडेंट आपको अडॉप्ट कर। अब वो नहीं, वो बहुत दूर रहता है, कितनी बार मिलेंगे अपने पापा से? अडॉप्ट कर लेना, आप भी यूएस चले। हम जाएंगे नहीं वहां, तुम नहीं हो गए, मैं सरमाइन मिसराइन मल्होत्राइन नहीं होंगी। चुटकी में काम हो जाएगा, चुटकी में हम करा लेते काम। हाँ, सुंदर पिचाई को जानती हो? सुंदर पिचाई को हम जानते, तुम्हें लगता है मैं जानते हो? सुंदर पिचाई गूगल के करता धरता हम जानते हैं। अरे वाह, तो जो वो आपको अडॉप्ट कर रहे हैं, हमें नहीं, सब कुछ पता चल रहा है, हमें सब कुछ पता है। वैसे भी गूगल को बताई दे दो चीजें उल्टा। कौन होगा जो इनको अडॉप्ट करेगा? जनता का आगे जवाब, कहते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट अगर अडॉप्ट कर ले हमें तो बस लाइफ सेट हो जाएगी। अच्छा अच्छा, वैसे आंटी आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान कभी आपको अडॉप्ट कर पाएगा? हाँ, शाहरुख गौरी तो एक बार आए थे हमारे पास, गाड़ी तो हमारे बैग भी पैक करने लगी कि चलो हमारे साथ मुंबई चलो, हमारे साथ मुंबई चलो। हमने मना कर दिया, मना कर दिया। हमने कहा तुम्हारे घर में अभी 3 लोग है, अब राय में वो आर्यन है सुहाने, हम कहा रहेंगे? शादी करा तो फिर आएंगे हम। लेकर गलत फहमी होती है लोगों गलत फहमी प्यार के मामले में, प्यार के मामले में कि प्यार अंधा होता है या प्यार की हमेशा जीत होती है या सच्चा प्यार सिर्फ एक। अच्छा, आज देखिए लव ना आज के जमाने में काफी कॉम्प्लिकेटेड। तुम्हें बड़ा पता है, लव का ज्ञान दे रही हो इधर, तुम्हें बहुत पता है। हम बताएं कि लव जो होता है वो एकदम बिरयानी की तरह होता है। पूछो कैसे, पूछ रही हो, हम बताते हैं। इसीलिए क्योंकि देखो, किसी को चिकन पसंद है, किसी को मटन, किसी को वेज बिरयानी, है ना? वेज बिरयानी नाम की कोई चीज करो होती है। और बताए, अब देखो चिकन बिरयानी जब बनती है और प्याज जो बनता है, एकदम धीमे आंच पे पकना चाहिए, एकदम सही मात्रा के मसाले। अगर नहीं डाले तो देखो, ज्यादा डाल दिए मसाले तो हाजमा हो जाएगा, अगर ज्यादा देर पका दिए तो खिचड़ी बन जाएगी। बताए, समझ में? हाँ, बस और कुछ नहीं, टू मच एंड टू लेस इन एनीथिंग इज बैड। जनता का आ गया जवाब। और वो कहते हैं सबसे बड़ी गलत फहमी है कि प्यार अंधा होता है। अच्छा विधि, तुम हमसे इतने सवाल करते हो, आज हम तुमसे सवाल करते हैं, इसी से एकदम रिलेटेड है कि तुम्हें सच्चा प्यार कितनी बार हुआ है, बताओ। जनता कह रही है कि कभी खुशी कहा, बताओ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर रोक दीजिए, बताइए कितनी बार हुआ है। 11,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं इंडिया की सोच। क्यों बुलाया हमें इधर, बताइए। अरविंद केजरीवाल, डेविड धवन या एबी डिविलियर्स, एक पॉलिटिशियन, एक फिल्म मेकर, एक क्रिकेटर? अच्छा अच्छा अच्छा, बताओ। बगल में छोरा और शहर में डिंडोरा, वैसे हम छोरी हैं तो बगल में छोरी और शहर में डिंडोरी नहीं है। देखो हम बताए तुम्हें, कभी कभी हम लोगों से कहते हैं देखो आपको पुष्पा नाम हमें पसंद नहीं आया तुम्हें हमारा, तो हमें 3 और नाम से तुम बुला सकते हो। पूछो कौन से नाम है वो, कौन से? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। आप नहीं है एंटरटेनमेंट। अच्छा, ओ टेल मी दिस, अगर आपके घर में केजरीवाल स्वयं आ जाए तो कैसे करेंगे एंटरटेन आप? हम उनको काढ़ा बना के पिला देंगे, हम कहेंगे काढ़ा पियो, एकदम इलायची विलायची खिला देंगे, ठीक करा लिया उन्होंने अपना गला, आपकी जरूरत नहीं है। डेविड धवन, अरे छोड़ो यार मत बताओ। जनता का जवाब आ चुका है और वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल आज के जमाने में सबसे बड़े एंटरटेनर बन चुके हैं, हालांकि उनका ऑब्जेक्टिव एंटरटेनमेंट नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, पीपल एंटरटेन हो रहे हैं। तुम ये पूछना चाह रही थी कि डेविड धवन हमारे घर आके हम कैसे एंटरटेन करेंगे? तो वो आएंगे नहीं कभी। अगर हम बताएं, हम बोलेंगे तुम्हारी पिक्चर बीबी नंबर 1, कूली नंबर, हीरो नंबर में एक चीज मिसिंग है, बताओ। लॉजिक क्या मिसिंग है? अब हमें क्या पता, मिसिंग तो है, किसी को क्या पता, मिसिंग तो हो गई ना। यस,
पूछा मैंने वो सवाल. सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए. 11,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं. चलिए आप मुझे बताइए इन तीनों में से आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण हिंदी बोल रही हैं. हां जी, मजेदार संभोग जिंदगी भर. अच्छा, अमेजिंग सेक्स लाइफ. फॉलोइंग योर पैशन या बीइंग अमीर एंड रिच. अच्छा विधि, ये बताओ पहला ऑप्शन जो है उसके बारे में क्या है. आंटी आप मेरे बारे में, मतलब अपने बारे में काफी कुछ जानती है, एक्सपीरियंस आपका बहुत ज्यादा. अरे आप बताइए, हम भी तो पूछ रहे हैं तुमसे कि पहले वाले का क्या ऑप्शन है. अरे आप बताइए ना आपकी. अरे हमने पूछा तुमसे, तुम बताओ पहले. आंटी डोंट बी स्मार्ट, जवाब नहीं दे रही है. चलो चलो पैशन की बात करते हैं. पैशन है, पैशन तो है हमारे पास, फैशन का पैशन है. और बताएं ये भी आजकल इंस्टाग्राम पे फैशन ब्लॉगर वगैरह आते हैं, हम कब से कर रहे हैं फैशन ब्लॉगिंग. आप फैशन पुलिस है. पुलिस क्यों होंगे हम. अरे यार बात फैशन की कर रहे हो, फैशन पे कंफ्यूज कर दिया. जनता का आ चुका है जवाब, वेरी क्लोज. वो कहते हैं कि पैशन को फॉलो करना लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन काफी क्लोज जवाब है. अमीर होना भी, हम बताएं कि दिल के अमीर और पैसों के भी अमीर. कितनी बड़ी सोच है. लेकिन आंटी ऐसा नहीं होता, बैलेंस होता है ना, अमीरी गरीबी साथ. तुम देखो बैलेंस अपना, हमारा पोस्टपेड कनेक्शन है, उसमें बैलेंस की कोई जरूरत नहीं. एकदम हमारे फ्री कॉलिंग, अनलिमिटेड कॉलिंग का पैक. क्वेश्चन नंबर, नोबडी इज इंटरेस्टेड. क्वेश्चन नंबर 8 फाइनल क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं. 11,000 से ज्यादा लोग इधर आके बैठ गए. आप बताएंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा. आंटी फोकस. हां बताओ बताओ. हैरी पॉटर की बात हो रही है, द मैजिकल वर्ल्ड. आप मुझे बताइए हैरी पॉटर के इन तीनों में से वो किस किरदार के साथ आप अपने आप को रिलेट करते हैं. रिलेट करें. डंबलडोर. अच्छा, अच्छा. या प्रोफेसर स्नेप. या लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट. ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड. हैरी पॉटर को जानती है. हम जानते हैं हैरी पॉटर. मतलब नहीं जानते, हम जानते हैं एकदम गोरा सा है, चश्मा लगाता है, गोल चश्मा लगाता है. यहाँ पे मार्क भी अभी लंदन गया हुआ है, हम जानते हैं. अरे वायर आपको पता है आप क्यों नहीं पता होगा. मतलब उत्तरायण के बेटे को नहीं जानेंगे हम, उसको प्यार से सब हरी कहते हैं. वैसे उसका नाम हरविंदर है पर उसे प्यार से हरी कहते हैं. जेके रोलिंग ने किताब लिख दी, किताब पे पिक्चर बन गई, हैरी पॉटर किरदार फेमस हो गया. आप हैरी पॉटर बुला रही हैं. और बताए तुम्हें मार्क कैसे पड़ा उसे. हमारी बचपन में हमारी खिड़की से गिर गया वो नीचे, एकदम बाल लेने आया था, हमने तपाक करके खिड़की खोल दी, गिर गया नीचे. हमने कहा रे एकदम मार्क लग गया था, हमने कहा चलो कोई बात नहीं. जनता का जवाब आ चुका है. वो कहते हैं डंबलडोर से रिलेट करते हैं वो अपने आप को, बिकॉज़ वो डंबलडोर की तरह वाइज है. अच्छा और बताएं तुम्हें विधि एक बात, तुम्हें ये सब अपना बोल रहे हो कि हमें हैरी, अब तुम चाहते थे तुम्हारी शादी उससे हो जाए. नहीं पता है लंदन जाके गया था एमबीए करने, वहां गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर बन गया. बताइए मुझे नहीं जानना आपके मल्होत्रा के बेटे हैरी पॉटर के बारे में. मिलना चाहूंगी, मिलना चाहूंगी. पॉल बाजी पूछते हैं मल्होत्रा आपके लिए. बल्ले बल्ले. हेलो मल्होत्रा आंटी. हाँ लाला 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 हो गई वे. एक मैं मल्होत्रायन होल्ड पे. हरी आया हुआ है क्या अभी इधर. हाँ लड़की है हमारे पास. हम ना कौन जीता है वो देख लेते हैं. कौन कौन जीता है आज पोल बाजी का खेल. 16 रुपए जीत गए हैं आशु राजा बाबू. हाँ हमें सुहानी भी जीत गई. उमंग को आशीर्वाद, राकेश को आशीर्वाद, नजबल अलम को आशीर्वाद, अजीत कुमार को आशीर्वाद. खूब खूब आशीर्वाद. किसी ने नहीं मांगा था आशीर्वाद, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कल कब मिलेगा मौका बाजीराव पर पैसे जीतने का, तो दोपहर 1 बजे खेलिए ब्रेकबाजी प्लस. देखो सुनो जीतो, दिमाग को स्ट्रांग रखना, ऑब्जर्व करना और जीत जाना पैसे. 3 बजे खेलेगा पोलबाजी मिनी, 4:30 बजे बिंगो बाजी और रात 8:30 बजे द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रेन बाजी क्विज द easiest quiz to win. Auntie so smart. सुबह पढ़िए the Times of India newspaper. सारे सवालों के जवाब आप वहीं पढ़ लेंगे. रात को 8:30 बजे फिर खेली the Times of India. Brainbazi quiz, the easiest quiz to win and win some money. Monday. अच्छा, तो मैं भी जा रही हूँ. तो तुम भी हमारे साथ एयरपोर्ट, हो सकता है तुम्हें ले जाए अपने साथ. क्या कहेंगे.